हेलो वीरेन, तो आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा प्रेफरेंस फॉर्म के टाइम हो गया। प्रेफरेंस फॉर्म वहाँ तक आ जाना चाहिए था और लगभग 26,000 लोगों ने स्किल टेस्ट दिया था, तो जिनमें से 10 या 15 हज़ार ऐसे होंगे जो प्रेफरेंस फॉर्म का वेट कर रहे होंगे और उस वजह से उनका नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उसका प्रिपरेशन भी अभी रुका होगा। बाकी लोग जो है 23 के प्रिपरेशन कर लेना, बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा 22 और 23 वाले में, कट ऑफ में चेंज देखने को मिलेगा क्योंकि वैकेंसी इतनी नहीं रहेगी। एग्ज़ाम पैटर्न हो सकता थोड़ा बहुत, अब धीरे धीरे टीचर्स चेंज करा तो कुछ ना कुछ चेंज वो कर रहा है, तो वो भी हो सकता कुछ चेंज देखने को मिले। थर्ड चीज़ आपका यह है कि बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। और 23 को लेकर तीनों सेक्शन के ऊपर डिटेल में थोड़ा बहुत डिस्कस मैं कर लूँगा, तीनों सेक्शन के ऊपर इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, वो एक बार देख लेना कि क्या क्या थोड़ा बहुत इस बार चेंज रहा था 22 में और क्या चेंज रह सकता है 23 में, क्योंकि थोड़ा बहुत वो चीज़ थोड़ा अलग करना पड़ेगा क्योंकि 22 में स्कोर बहुत कम हुआ, इसका रीज़न कुछ ना कुछ होगा, तो वही चीज़ हमें मिस्टेक को नहीं करना है 23 के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ हम अलग डिस्कस करेंगे। प्रेफरेंस फॉर्म आपका कल तक थोड़ा वेट कर लेना, कल तक अगर प्रेफरेंस फॉर्म नहीं आता है तो फिर ये है कि अपने एंड से आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेल करना है, ठीक है, ग्रीवेंसेज डालना, RTI फाइल करना है, ठीक है। इसके अलावा कॉल करना है रीजनल ऑफिस में जो भी SSC के, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स वहाँ से मिलेगा। अगर नहीं मिलता इसके बाद भी फिर तो वही है कि आपके एक ऑप्शन है, हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर पता करना पड़ेगा क्या चीज़ यहाँ पे है। लेकिन यही है कि थोड़ा कल या परसों वाला 2 दिन का थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। इतना वेट कर लिया तो थोड़ा कल या परसों का ही वेट कर लेना, और कुछ ना कुछ जो है अगर अपडेट नहीं मिलता है फिर यही है कि अपने एंड से ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। यूनिटी दिखानी पड़ेगी क्योंकि 10,000-15,000 भी अगर लोग हैं तो 15,000 बहुत होते हैं, उनमें से अगर 1,000 लोगों ने भी मेल ग्रीवेंसेस वो सब किया तो चीज़ें यहाँ पे चेंज हो जाएगा। प्रेफरेंस फॉर्म जैसे ही आता है उसके बाद एक हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है, जिनका इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिलेक्शन हो गया या ज्वाइनिंग भी स्टार्ट हो गई होना, अगर उनको अपना जो लोकेशन है, जो डिजायर्ड लोकेशन जो आप चाहते थे वो मिल चुका है, तो ग्रेड डी वाला फॉर्म प्रेफरेंस में मत फिल करना क्योंकि उससे सीट वेस्ट होगा। क्योंकि ग्रेड डी का फॉर्म आप जब प्रेफरेंस में फिल करोगे तो वहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि आपको अपनी लोकेशन मिल जाएगा, हो सकता है आपको साउथ मिल जाए या बहुत ज़्यादा दूर मिल जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अब ज्वाइन नहीं करोगे तो वो सीट क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे अगर जितना अगर मैं मान लूँ यहाँ से कम 50% लोग ऐसे होंगे जिनका स्टेनो में भी लगभग सिलेक्शन के चांसेस है। अगर 1,000 का लोगों का सिलेक्शन इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुआ है, उनमें से 500 लोग भी अगर ग्रेड डी का फॉर्म फिल नहीं करते हैं, 500 में थे चलो ठीक है मानते हैं कि 250 भी लोग अगर ऐसे होते हैं, 200-300 भी, तो 300 सीट बचने का मतलब ये है कि आपका कट ऑफ बहुत ही कम हो जाएगा, कट ऑफ में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। तो ये चीज़ एक रिक्वेस्ट है, सीट वेस्ट ना हो बस कोशिश करना। बाकी जो इसे जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं ग्रेड डी में तो वो भी कोशिश करना भाई कि ग्रेड डी का प्रेफरेंस में मत डालना ताकि किसी और को पोस्ट मिल जाए, ठीक है। ग्रेड ई में क्या होगा कि आपका लोकेशन दूर हो जाएगा, फिर आप फिल नहीं करोगे, ठीक है, ज्वाइन नहीं करोगे तो वेस्ट हो जाएगा। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है और ये वीडियो इसीलिए था कि अगर प्रेफरेंस फॉर्म आता है तो ये चीज़ मत करना कि प्रेफरेंस फॉर्म में कोई ऐसी पोस्ट या मत डालना जो आपको नहीं चाहिए, है ना, और बाद में आप ज्वाइन ना करो तो इससे क्या होगा, वेटिंग लिस्ट है नहीं तो सीट वेस्ट ही होगा, ठीक है, और इतनी सीट आपका नहीं आएगी नेक्स्ट टाइम भी। तो नेक्स्ट टाइम 23 के प्रिपरेशन जो कर रहे हैं तो वो तो ट्राई करो भाई, जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो बढ़ाना, ठीक है, क्योंकि 23 में बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, कट ऑफ चेंज होगा, वैकेंसी चेंज होगी, आपका पैटर्न भी चेंज हो सकता है शायद, ठीक है, थोड़ा बहुत क्योंकि इस बार भी चेंज हुआ था 22 में, थोड़ा बहुत चेंज हुआ था, वही रीज़न है कि कट ऑफ थोड़ा कम गया था, और वही 23 में भी पॉसिबिलिटी कि ऐसा कुछ चेंज हो तो उसके लिए तैयार भी रहना। वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तीनों सेक्शन के ऊपर थोड़ा डिटेल में मेरे को डिस्कस भी करना है कि 22 में क्या चेंजेस रहा है जिसकी वजह से कट ऑफ कम हुआ या स्कोर कम आया 20, ठीक है, तीनों सेक्शन के ऊपर, इंग्लिश, रीजनिंग और GK के ऊपर। बाकी हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से था जिनका सिलेक्शन हो चुका है तो ग्रेड डी वाला जो है कोशिश करना तुम्हारी वजह से कोई सीट वेस्ट ना हो। बाकी प्रेफरेंस फॉर्म वाले ये हैं कि कल या परसों थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अगर नहीं आता है तो यूनिटी दिखाना पड़ेगा और जितना मेल हो गया, ग्रीवेंसेस हो गया, RTI अपने एंड से जो आप कर सकते हैं वो कोशिश करना, ट्राई करना, ठीक है, करने की। बाकी ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए जो 23 के प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ऑल द बेस्ट उनको भी जो जिनका 22 में होगा, ठीक है, कि ऑल द बेस्ट लिए ताकि आप थोड़ा कोशिश करना कि अपने एंड से कोई भी सीट वेस्ट ना हो, ठीक है। शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।